वेलकम बैक, बढ़ेंगे बिग टू की जानिब। बिग टू में बात करेंगे, मुसलसल सियासी मामलात में एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान मुसलसल नापुख्तगी का मुजाहिरा कर रहे हैं, तो इमरान खान की टीम भी जवाबी बोल बचन में मसरूफ है। तो दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी सर्वे के मुताबिक कहा गया है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बेहतरीन सियासतदान है और इमरान खान दूसरे नंबर पर और बिलावल भुट्टो जरदारी का तीसरा बड़ा सियासतदान होने का कहा गया है। जी हाँ, अच्छा, ये जो अभी नीलम आपने जिक्र किया है कि ये जो नंबर हैं, अब इस पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अच्छा बड़ी बात यह हुई है कि जो हम अरसा दराज से सुन रहे थे कि कतरी खत, कतरी शहजादे का खत, कतर की तरफ से खत, आज कतर के सफीर सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कौन सा खत, कहां का खत, कैसा खत, किसने लिखा यह खत, किसको भेजा यह खत, वो आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। हमारे साथ नबीला हाकिम साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नबीला, आप ये बताइएगा कतरी जो शहजादे के खत के हम चर्चे सुन रहे थे, अब तो कतर के सफीर ने आके कह दिया है कि भाई हमारा ऐसे किसी खत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, आपने मेरा ख्याल है और पूरी आवाम ने, पाकिस्तान की ने ये देख लिया कि किस तरह से झूठ बेनकाब हुआ है, इन हुक्मरानों के चेहरे किस तरह से सामने आ रहे हैं कि ये असेंबली के फ्लोर पे जो बात करते हैं वो कुछ और होती है और जब ये कोर्ट्स में बात करते हैं तो वो टोटली उससे डिफरेंट होती है, और फिर उसके बाद अपने ताल्लुकात की बिना के ऊपर कतरी शहजादों के खत आते हैं और फिर उनकी गवर्नमेंट ने इसे टोटली डिनाई किया है। मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पहली जीत है के कतरी गवर्नमेंट ने जो है उनका जो स्टेटमेंट सामने आई है, और उसके बाद हमारी उम्मीद जो है वो और मजबूत हो गई है कि इंशाल्लाह ताला पनामा लीक्स के ये जो काले काले चेहरों वाले जो करप्शन ज्यादा हुक्मरान है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उनके खिलाफ जो है आला अदलिया का फैसला। चलिए, अयाज अमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पे, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज अमीर साहब, सीनियर तजयकार, आप ये फरमाइएगा कि पनामा के इस केस में गो के अभी फिलहाल समाअत रुकी हुई है, लेकिन पे दर पे हुकूमत या शरीफ खानदान के लिए कभी जर्मन अखबार आ जाते हैं, कभी बरतानिया की खबर या बरतानिया के डॉक्यूमेंट्री सामने आ जाती है, अब तो कतर के सफीर आके कतरी खत का जो कहते हैं ना कि वो इनकार कर गए हैं, क्या मुश्किल में फंस गई हुकूमत, कहाँ देख रहे हैं केस को? देखिए, इनके लिए बात यह है कि ये हुकूमत के लिए, हुकूमत के लिए से ज्यादा जो शरीफ खानदान है, जो मियां नवाज शरीफ है और उनकी फैमिली, उनके लिए परेशानी के बायस है। रोजाना समात हो रही है, दिन को समात होती है, शाम को डिसेक्शन पूरे हर चैनल पे यही मौजूद चल रहा होता है, तो ये कोई बायस तमकनत किसी के लिए भी नहीं होती, तो इनके लिए ये परेशानी है। लेकिन आगे रास्ता भी नहीं पता चल रहा, ये भी नहीं पता कि क्या इसका निकलेगा। इनका अलमिया ये है कि इनकी जो सियासी जद्दोजहद या तारीख या जो भी है उसमें अदलिया हमेशा इनका मुआवन साबित हुई है और इनको बहुत रिलीफ भी मिलता रहा है अदलिया से। ये पहली बार हुआ है इनकी तवील सियासी इनिंग्स में कि एक इंडिपेंडेंट बेंच है जो बिल्कुल ना इस तरफ है ना उस तरफ है, और वो हेयरिंग कर रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, छुपते हुए सवाल पूछ रहा है, खामखा को तंग करने वाले सवाल नहीं, मतलब जायज सवालात जो इस केस से निकल रहे हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है। इन्होंने तीसरी बार वकील अपने हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो प्लान करना है, हुकूमत इतनी आसानी के साथ यकीनन हार भी नहीं मानेगी, क्या ऑप्शंस या कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर हुकूमत किसी भी हालत में या प्लान ए बी सी उन्होंने बनाए हुए हैं? देखिए ना, अगर ये 98 होता, 98 में तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर दी गई थी, अब वो हालात है नहीं, आप ऐसे कर नहीं सकते। 98 में ये जो है, आजकल का जो मीडिया जिस किस्म का है कि हर तरफ प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं, 98 में नहीं था, तो आप हर टीवी चैनल को कैसे कंट्रोल करेंगे, हर एंकर को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट पे हमले का मुतहम्मल हो सकते हैं? यकीनन नहीं। फजा बदल गई है, ये पाकिस्तान 98 का नहीं है, ये 2017 का है, इसीलिए उसको मुश्किलात हो रही हैं। अब इनको वहां पे जाके कुछ ना कुछ कहना है,
अब वो मिलने को नहीं है बात। अब देखिए ना, ये आजकल के माहौल में, आजकल के साल में ये कह रहे हैं जी हमने वो कैश दे दिया था, ये दे दिया था, वो दे दिया था, जब पे सारी दुनिया कह रही है कि प्लीज इससे आप हटें, तो ये परेशानी का बायस इनके लिए बनी हुई है जी। अच्छा मैं नबीला साहिबा की तरफ आऊंगा। नबीला साहिबा, आप ही फरमाइएगा, अभी जो रोजाना की बुनियाद पर समात हो रही थी उसमें एक तातुल आ गया है, और अभी कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि शायद अगले हफ्ते भी समात ना हो सके। जस्टिस अजमत सईद साहब माशाल्लाह रूबे सेहत हैं, लेकिन बहरहाल उन्हें आराम की जरूरत है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाहे अमल मजीद आगे जलसों की सूरत में, या फिर पॉलिटिकल आपका जो भी स्टांस होगा या स्ट्रेटजी होगी, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आगे आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, ये जो तातुल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो शेख अजमत सईद साहब की तबीयत की नासाजी की वजह से है, और इस दौरान मेरे ख्याल जब ये प्रोसीडिंग चल रही है और आला अदलिया में चल रही है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पहले तो अपनी जो उसकी कोशिश है कि अपने केस को बेहतर तौर पर जो है वो इसी कोर्ट से, उसी कोर्ट में चलाए, और उसके बाद हम पूरी तरह से इंशाल्लाह ताला, हमारा पूरा यकीन भी है कि ये जो बेंच है आला अदलिया का, इंशाल्लाह ताला इससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ इससे पूरी तरह मुतमिन भी है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अजमत ठीक। बहुत शुक्रिया नबीला हाकिम साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी, और बहुत शुक्रिया अयाज जमीर साहब सीनियर तजियाकार, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिक्र हो रहा था अभी के 98 का ये पाकिस्तान नहीं है, यकीनन 2017 में जहां मीडिया इतना आज़ाद है, जहां हर तरफ नज़र है, जहां एक इंडिपेंडेंट बेंच केस की समाअत कर रहा है, वह बहुत मुश्किल होंगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ और बातें भी हैं, मतलब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या कानून की। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अभी 5 लोग जो केस की समाअत कर रहे थे, उनमें से एक जस्टिस अजमत सईद साहब, अब चूंकि वो बीमार हैं, जो प्लास्टी हुई है उनकी, तो इसके बाद अब अरूबा सेहत हैं, लेकिन अगर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते तो क्या यही बेंच कंटिन्यू कर सकता है 4 मेंबरान के साथ, या यही बेंच कंटिन्यू कर सकता है किसी नए मेंबर को शामिल कर सकता है? तो कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस 4 या इसी बेंच को भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर कोई नया बीच में जज साहब आते हैं तो फिर सिंपल 3 या 4 जो घंटों के दौरान उन्हें मेन पॉइंट्स बता दिए जाएंगे और केस वहीं से शुरू हो जाएगा जहां से ये मामला चल जाएगा, और मामला वहीं से जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत की खासतौर पर मुश्किलात में इजाफा खासा बढ़ गया है जी। बिल्कुल बढ़ेंगे बिग थ्री के जानिब। बिग थ्री में बात करेंगे हुकूमत पंजाब की ही बात करेंगे। पंजाब बैंक ने हुकूमत वक्त पर इतनी मेहरबान हो चुकी है कि 1 अरब 98 करोड़ रुपए उनको माफ कर दिए गए हैं। और दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में ओपोजिशन ने भी हंगामा आराई की, और आपको बताएं कि गो स्पीकर गो के नारे भी वहां पर गूंजे। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से हुकूमत को 1 अरब 58 करोड़ के कर्जों की मुआफी के मामले पर पंजाब असेंबली में ओपोजिशन ने हंगामा पर पकड़ दिया। ओपोजिशन लीडर ने सिखपा होते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, गो स्पीकर गो के नारे भी लगाए। असेंबली मछली मंडी का मंजर पेश करने लगी। दूसरी जानिब बैंक ऑफ पंजाब के माजी की जानिब नजर दौड़ाई जाए तो बैंक ऑफ पंजाब बहुत से कर्जों के स्कैंडल्स में मुलव्वस पाया जाता है। ऐसे वक्त में कर्जों को मुआफ करना, जबकि मुल्क में पैनामा केस चल रहा है, बहुत से सवालों को खड़ा करता है। जी हाँ, जब हम कर्ज का जिक्र करते हैं तो हर शख्स जानता है कि कर्ज बहुत बड़ा कर्ज होता है, और अगर आम बंदे का किसी बैंक से वास्ता पड़ा हो और उस कर्ज की वजह से वास्ता पड़ा हो तो सबको पता है कि बैंक कैसे कर्ज निकलवाता है, लेकिन यहाँ कर्ज माफ कैसे हो जाता है? नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नौशीन साहिबा, आप गालिबन जब कापियां फाड़ी जा रही थी पंजाब असेंबली में मौजूद थी। ये जो कर्ज माफ हो जाता है, ये अपोजिशन जो शोर मचा रही है, कहीं ऐसी वजह तो नहीं कि उनका कर्जा माफ नहीं किया या अपोजिशन के लोगों का कर्जा माफ नहीं हुआ, इस वजह से आप एहतजाज की जानिब आ गए? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुआ ये था कि जब ये एक इतना अहम इशू था जिसमें बैंक ऑफ पंजाब ने जो एक इतना बड़ा अमाउंट जो माफ किया गया था, उसके ऊपर ऑपोजिशन लीडर ने स्पीकर से बोलने की इजाजत मांगी थी कि वो इस इशू के ऊपर अपना मौके पेश करना चाहते हैं, तो स्पीकर ने उनको इजाजत नहीं दी, और जिस वक्त राणा सनाउल्लाह उससे बोलने लगे तो उनको फौरी तौर पर इजाजत मिल गई। तो इसके ऊपर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया था कि ये सेम मसला था, और जब ऑपोजिशन के लिए स्पीकर ने एक बायस रवैया रखा था,
तो इस पे हमारा एहतजाज था कि स्पीकर को बिल्कुल गैर जानेदार होना चाहिए और दोनों तरफ का व्यू पॉइंट सुनना चाहिए। तो इसके ऊपर ये किसका हुआ, कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने भी इन्वेस्टिगेट किया गया किया होगा। सॉरी जी, देखें इस पूरे प्रोसेस में कोई भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी हमें कहीं भी नजर नहीं आई, और जिन लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद वो लोग हैं जिनकी पीएमएलएन के साथ क्लोज एसोसिएशन है, और इस चीज का एतराफ जो है वो राणा सनाउल्ला साहब ने असेंबली के फ्लोर पे भी किया था कि इसमें कुछ एमएनए के भाई मौजूद हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जिनकी पीएमएलएन से करीबी वाबस्तगी है। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा वैसे सोचने की बात करें, हर जो जी शऊर शख्स है वो ऐसे मौके पर जबकि हुकूमत को बहुत ज्यादा करप्शन के इल्ज़ामात का सामना है, करप्शन की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसा कोई इकदाम क्यों करेंगे जिसमें वो दोबारा से किसी और मामले में फंस जाएं? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस वक्त बिल्कुल बेखौफ हो चुकी हुई है, और बैंक ऑफ पंजाब को वो बिल्कुल अपना एक ज़ाती अदारा, एक ज़ाती बिजनेस की तरह उसके साथ डील कर रहे हैं। ये जो कर्जा है ये कोई एक दिन में तो जमा नहीं हुआ, ये ओवर द ईयर्स इकट्ठा हुआ है, और ये उस वक्त से ये प्रोसेस गलत होते हैं जब सिलेक्शन ऑफ क्लाइंट होती है, जिस वक्त उस वक्त ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होके ऐसे लोगों को कर्जे देते हैं जिनका कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड या उनके ऊपर किसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन का हाथ होता है। ये बैंक की लैंग्वेज में एक होते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, जिनको पीईपीस कहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नौशीन हामिद साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा है कि एक गरीब मुल्क में कर्जे माफ करवाए जाएं, आखिर इसका क्या मतलब लिया जाए, जहां लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। जिस तरीके से ऐवान में यह भी बात आई कि हुकूमत पर एतराज उठाया गया कि सूबे में 1329 स्कूल चार दीवारी से महरूम हैं, 606 स्कूल्स को टॉयलेट्स और 301 को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, रोजाना की बुनियाद पर हम जो आम आवाम को दरपेश मसाइल हैं हम उठा रहे हैं, लेकिन जो कर्जा माफी की बात है तो कर्जे माफी सिर्फ पंजाब या मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं, पीपल्स पार्टी के दौर में भी कर्जे माफ करवाए गए, परवेज मुशरफ साहब के दौर में तो कमाल कर्जे माफ करवाए गए। अभी गुज़िश्ता दिनों एक तकरीबन 1999 से 2008 के दरमियान 125 अरब रुपए के कमर्शियल कर्जे माफ हुए। ये किसका पैसा है, ये कर्जे कौन देता है, ये कर्जे कौन माफ करवाता है, कौन या किसके कहने पर ये कर्जे माफ होते हैं? अच्छा, मेरा सिर्फ एक सवाल छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट बिग की तरफ कि आपका कभी, एक आम आदमी से सवाल, आपका कभी कर्जा माफ हुआ? अगर तो किसी का कर्जा, खास तौर पर हमसे राबता कीजिए, हम तलाश में किसी आम बंदे का कोई कर्जा माफ हुआ हो, बैंक ने उसे रिलीफ दिया हो तो हम यकीनन, और जिनके कर्जे माफ होते हैं वो मोहल्लात के मालिक हैं, और इस बात का इजहार खुद शहबाज शरीफ साहब ने यौम मजदूर की एक तकरीब में मजदूर की 1000 रुपए तनख्वाह में इजाफा करने के बाद कहा कि जिनके कर्जे माफ हो रहे हैं उनके तो मोहल्लात हैं, वो तो अय्याशियां कर रहे हैं। गरीबों के कर्जे माफ नहीं होते, हुकूमतों के कर्जे माफ होते हैं। यहाँ पर बढ़ेंगे बिग फोर के जाने, बिग फोर में बात करेंगे। कराची एक बार फिर से मसालिस्तान बन गया है, वहाँ पीने के लिए आवाम को साफ पानी नहीं दिया जा रहा है, और तमाम सियासतदान एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं लेकिन मसले का हल कोई नहीं निकाल रहा। तो दूसरी जानब सरकारी अस्पतालों में भी यही मामला है, ना सफाई है और ना ही साफ पानी पीने को। कराची की आवाम बूंद बूंद को तरस रही है लेकिन रिवायती इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। सिंध हाई कोर्ट में फ्राहमी निकासी आप से मुतालिक अदालती कमीशन की कार्रवाई जारी है। दौरान समात मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट को 120 एकड़ जमीन अलॉट की गयी जिसमे से 40 एकड़ पर कब्जा हो चुका है, जबकि कराची के सरकारी अस्पतालों में सफाई और पीने के पानी की फ्राहमी से मुतालिक वाटर बोर्ड और मेयर कराची ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान उल्लाह मुरब्बत और एमक्यूएम के वफद ने ख्वाजा इजहार की सरबराही में भी अपना मौकिफ अदालती कमीशन में जमा करवाया। कमीशन में रिपोर्ट पेश करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल हो या सॉलिड वेस्ट, तमाम ऐसे इदारे मेयर के मातहत हैं। मेयर के मातहत ही रहा है वाटर बोर्ड और उससे रिलेटेड जितने भी दूसरे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मामला हो।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान उल्लाह ने कमीशन को बताया कि साबिक सिटी नाजिम मुस्तफ़ा कमाल के पास इतने इख्तियार थे जितने वजीर आला के पास नहीं होते। मुस्तफ़ा कमाल ने महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर अपने लोग भर्ती किए और उनको दुनिया दो नंबर नाजिम के नाम से जानती थी। ख्वाजा इजहार ने कहा कि शहर में काफी बारिशें हुई लेकिन पीने को पानी नहीं है। कमीशन 6 से 11 फरवरी तक भंभौर, हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और मीरपुर खास समेत दीगर मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा करेगा, जिसके बारे में चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी आपाशी समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। जी हाँ, पानी का जो मसला है। अच्छा, आज जो समात हुई, बड़े बड़े खौफनाक किस्म के इसमें बड़े बड़े इंकशाफात हुए हैं, लेकिन जितने भी लोग, जिनमें वसीम अख्तर साहब भी थे, ख्वाजा जहरुल हसन साहब भी थे, मुस्लिम लीग नून के लोग भी थे, वॉट एवर, जितने लोग उधर आए थे, ये वो लोग हैं जो कि स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं। 30-30 साल से इसी शहर कराची में सिंध के अंदर उन्होंने होल्ड रखा है। और अब आप एक बात बताइए कि जब पानी आज 2017 में हम ये देख रहे हैं कि साफ पीने का पानी एक आम शहरी को मुयस्सर नहीं, मरदम कराची को, मरदम सिंध को मुयस्सर नहीं, उसके बाद ये इसका कसूर था, हमने ये किया, उन्होंने ये नहीं करने दिया, उन्होंने इतने मुलाजिम लगा दिए। आप मुझे ये बताइए कि ये इस इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम से, ये तनकीद बरा तनकीद से कि आवाम को मीठा पानी मिल जाएगा शहर कराची के अंदर, पीने का मसला क्या आज का मसला है? ये एक बड़ा पुराना मसला है। आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी है, चूंकि आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, जब पानी पीते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि आप साफ पानी पिएं, बल्कि आप अपने ग्लास को, हम लोग जब पानी पीने लगते हैं ग्लास को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं कोई चीज तो अंदर नहीं, और जरा सी कोई हमें महसूस भी हो तो हम उस पानी को गिरा देते हैं, नहीं पिया जाता। लेकिन ऐसी सूरत हाल हो जब गदला पानी आ रहा हो, हाइजेनिक पानी आपको मुयस्सर ना हो और जिंदगी बचाने के लिए आप गदला पानी पीने के लिए मजबूर हो, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, प्यास आपकी बुझ जाएगी लेकिन आप बीमार हो जाएंगे। आज मुस्तफा कमाल साहब ने बड़े खौफनाक फिगर हमें बताया, जिसमें उनका यह कहना था कि महज गदले पानी की वजह से, साफ पानी आवाम को मुयस्सर ना होने की वजह से तकरीबन 3.5 लाख शहरी मौत के मुंह में चले जाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि यह कितनी बड़ी तादाद है। अगर सिर्फ पानी की वजह से, पानी साफ ना मिलने की वजह से लोग अपने सेहत के मसाइल से दो चार होते हैं और सेहत के मसाइल से दो चार होने के बाद ऐसे अस्पतालों में चले जाते हैं जहां उनके इलाज मुआवजे के लिए निज़ाम नहीं, डॉक्टर्स नहीं, सहूलियात नहीं, यानी आपको पहले बीमार किया जाता है, बीमारी का इलाज करवाने के लिए हुकूमत ने जो इदारे बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, वहां इलाज करने की सहूलियात नहीं, तो मरे को मारने वाली बात है। यह एक इंतहाई अफसोस का मामला है। टैंकर माफिया खुलेआम चल रही है, उनके पास कहां से आता है? तो यह आज का मसला नहीं है। आज हम इस बिग सेवन में एक बात जरूर कहते हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि हम किसी एक सियासी जमात को कहें इल्जामात की वजह से या इल्जामात के नाम पर सियासत करने से आवाम को पानी नहीं मिल जाना, कि एटलीस्ट ये एक बुनियादी जरूरत है। आप सियासत जरूर कीजिए, इस बुनियादी जरूरत को तो ठीक कर दीजिए, एटलीस्ट आवाम जिंदा तो रहे। आपको आवाम की जरूरत है सर, हम सियासतदानों से कहते हैं आवाम की आपको जरूरत है। आपके पास ये आवाम नहीं होगी तो आप हुक्मरानी किस पे करेंगे? अगर आपके पास ये आवाम नहीं होगी तो आप किसके मैंडेट का नाम लेकर कहा करेंगे कि हम उसके मैंडेट से इस असेंबली का हिस्सा बने हैं या इस इक्तदार या इख्तियार के मालिक हैं? इस आवाम की कदर कीजिए, एटलीस्ट इतना उन्हें जरूर दीजिए कि जो वो जिंदा रहने के काबिल रह सकें। बिल्कुल, कराची वालों का भी हक है कि उन्हें साफ पानी मुहैया किया जाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस।